शुरू होती है इस चैप्टर के ऑथर से, जिनका नाम था जेरोम के जेरोम। तो यहाँ पर जो जेरोम है वो और उनका जो फ्रेंड होता है वो उनसे बोलता है कि चलो भाई क्यों ना बाईसाइकिल चलाई जाए सुबह सुबह। तो जेरोम के जेरोम जो ऑथर थे वो बोल देते हैं हाँ हाँ ज़रूर ज़रूर चलते हैं, बाईसाइकिल चलाना तो वैसे भी हेल्दी है। तो दोनों डिसाइड करते हैं कि अब हम लोग कल से सुबह सुबह साइकिल चलाने जाया करेंगे। दोनों डिसाइड करते हैं कि हम इस जगह पर मिलने वाले हैं कल सुबह सुबह, और वहाँ पर पहुँच जाते हैं ऑथर नेक्स्ट डे। जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं तब वो आधा घंटा पहले पहुँच चुके होते हैं उनके दोस्त से, उनका दोस्त मतलब हाफ एन आवर लेट आया होता है। वो ऑथर को देखकर इस तरीके से एक्ट करता है कि अरे 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 यार तुम आ गए इतना जल्दी, अरे वाह बहुत अच्छी बात है। मतलब वो अपनी गलती को छुपाने की कोशिश करता है कि वो लेट आया है। थोड़ी ही देर के अंदर जब वो ऑथर की बाईसाइकिल की तरफ देखता है तो वो बोलता है अरे तुम्हारी जो बाईसाइकिल है इसका जो फ्रंट व्हील है वो तो वॉबल कर रहा है, वॉबल करना मतलब हिल रहा है, खराब है। या फिर तो वो इस तरीके से एक्ट करता है कि उसे बाईसाइकिल्स के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज है और ऑथर की जो बाईसाइकिल थी वो ख़राब थी। लेकिन ऑथर मनी मन जानते थे कि उनकी बाईसाइकिल बिल्कुल ठीक है और सारी चीज़ें अच्छे से काम कर रही हैं, लेकिन वो ऐसे मना नहीं कर पाते थे लोगों को डायरेक्टली, वो किसी भी चीज़ के लिए लोगों को मना नहीं कर पाते थे। तो वो अपने दोस्त की बात को एग्री कर देते हैं और जो उनका फ्रेंड होता है वो बाईसाइकिल को रिपेयर करना स्टार्ट कर देता है। वो फटाफट बाईसाइकिल के जितने भी पार्ट्स होते हैं उनको निकालना चालू करता है, फ्रंट व्हील को अनस्क्रू करता है मतलब उसकी स्क्रूज खोलता है और चेक करना चालू करता है और बोलता है कि यहाँ पर तो देखो क्या दिक्कत है क्या दिक्कत है। और तभी अचानक से वहाँ से बहुत सारे बॉल बेयरिंग्स निकल जाते हैं। बाईसाइकिल के फ्रंट व्हील के अंदर जो बॉल बेयरिंग्स होते हैं वो छल्ले जो होते हैं, हम इन्हें हिंदी में छल्ले बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं। तो वो निकल जाते हैं और वो चारों तरफ वहाँ पर फैल जाते हैं। ऑथर को उनका फ्रेंड बोलता है अरे 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 तुम जल्दी जल्दी से इन बॉल बेयरिंग्स को कलेक्ट कर लो, इनके बिना तो बाईसाइकिल चल ही नहीं सकती, मैं इस बाईसाइकिल को ठीक भी नहीं कर पाऊंगा, दोस्त जरा जल्दी करो। तो फटाफट ऑथर अपनी हैट के अंदर उन बॉल बेयरिंग्स को कलेक्ट करना स्टार्ट करते हैं। धीरे धीरे करके जो ऑथर का फ्रेंड होता है वो और भी बाईसाइकिल के जो पार्ट होते हैं उनको भी निकालना चालू करता है। जो गियर का केस होता है जहाँ पर गियर लगा होता है बाईसाइकिल के अंदर उसको भी वो खोलना स्टार्ट कर देता है। ऑथर उसको रोकने की कोशिश तो करते हैं लेकिन तभी वो सोचते हैं कि यार क्या सही होगा अगर मैं इसको रोकूं तो, और मेरे अंदर तो इतनी हिम्मत भी नहीं है कि मैं इसको मना कर पाऊँ। मतलब ऑथर की एक बैड हैबिट थी, आप इसको बैड हैबिट समझ सकते हो, कि वो लोगों को मना नहीं कर पाते थे चीज़ों के लिए। तो ऑथर कुछ बोल ही नहीं पाते और चुप रहते हैं, और उनका जो दोस्त होता है वो गियर के केस को भी खोल देता है और उसको भी फिक्स करने की कोशिश करता है, उसको भी सही करने की कोशिश करता है। लेकिन उसको ठीक करने में उसको नानी याद आ जाती है, बहुत बुरी हालत हो जाती है उसकी। थोड़ी देर के अंदर देखते देखते जो उनकी बाईसाइकिल होती है वो पूरे जो भी उसके पार्ट्स होते हैं इधर उधर पड़े हुए होते हैं। ऑथर अपने दोस्त को रोकना तो चाहते थे लेकिन वो, जैसा मैं बार बार बता रहा हूँ, वो इतने वीक थे या फिर उन्हें इतना बुरा लगता था किसी को कोई भी चीज़ रोकने के लिए, और वो चाहते थे कि उनके दोस्त को वो हर्ट भी ना करें ये बोल के कि तुम्हें बाईसाइकिल ठीक करना नहीं आती। जैसे तैसे करके बाईसाइकिल वो थोड़ी बहुत ठीक कर लेते हैं, लेकिन अब बारी आती है जो बाईसाइकिल के अंदर चेन होती है उसको टाइट करने की। तो जो ऑथर का फ्रेंड था वो इतनी टाइट कर देता है कि व्हील्स घूमते ही नहीं है इतनी टाइट चेन से। फिर वो ढीली करता है थोड़ा सा उसको, लेकिन वो इतना ढीला कर देता है उसको कि आप समझ लो कि अभी भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है बाईसाइकिल को चलाने में। तो वो फिर जैसे तैसे कर उसे नॉर्मल उस पर लेकर आता है, नॉर्मल जितनी टाइट होनी चाहिए बाईसाइकिल की चेन उतनी टाइट वो कर देता है। सारी ट्रिक्स करने के बाद जो ऑथर का फ्रेंड था वो डिसाइड कर लेता है कि अब उसने बाईसाइकिल को दोबारा जोड़ने वाला है, जो भी पीसीज उसने निकाल के रिपेयर करे अब उनको वापस लगाने वाला है। इस चीज़ को करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा था, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा था, और ऑथर को अब ये भी पता चल गया था कि जो उनका दोस्त था उसने फालतू में बाईसाइकिल को खोलने की कोशिश करी और उसको बाईसाइकिल को ठीक करने का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था, यहाँ तक कि उसे बाईसाइकिल के बारे में ज़्यादा नॉलेज भी नहीं थी। तो उनका जो फ्रेंड था बहुत टाइम तक उसने मेहनत करता रहा
सुबह से वो लोग बाइसाइकिल चलाने के लिए निकले थे, लेकिन अब दिन के एक बज चुके थे और एक बजे तक भी वो बाइसाइकिल को प्रॉपरली फिक्स नहीं कर पाया था। अब ऑथर देखते हैं जब बाइसाइकिल का फ्रंट व्हील तो वो अब वॉबल कर रहा होता है। पहले स्टार्टिंग में जब उनका फ्रेंड बोल रहा था कि ये वॉबल कर रहा है, तब तो वॉबल नहीं कर रहा था, तब तो ठीक था, लेकिन अब वो वॉबल कर रहा था क्योंकि जो छल्ले थे वो क्या हो गए थे, मिस हो गए थे। उनमें से एक ना एक कोई छल्ला बॉल बेयरिंग मिस हो गई थी। फाइनली ऑथर डिसाइड करते हैं कि वो अपने दोस्त को अपनी बैक किचन में लेकर जाते हैं। वहाँ पर उसको बोलते हैं कि जो भी तुमने अपने हाथ वगैरह गंदे हो गए हैं या फिर आपके मुंह भी गंदा हो गया है, उस सबको आप क्लीन कर लो और अब आप अपने घर पर वापस जाओ। तो वो फटाफट ऑथर के घर की जो बैक किचन होती है उसके अंदर आता है, अपने आप को क्लीन करता है, अपने हैंड्स क्लीन करता है, अपने माउथ क्लीन करता है और फिर वो वापस अपने घर पर चले जाता है। इस चैप्टर से हमें ये समझ में आता है कि जो चीज़ हमें नहीं करना आती हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और उस चीज़ को सही करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। बहुत ही फनी सी स्टोरी थी ये। इसी के साथ एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ। इन वॉट कंडीशन डिड द ऑथर फाइंड द बाइसाइकिल व्हेन ही रिटर्न फ्रॉम द टूल शेड? तो जब बाइसाइकिल किस कंडीशन के अंदर ऑथर को मिली थी जब वो टूल शेड से वापस आए थे, उनकी पूरी बाइसाइकिल को उनके दोस्त ने खोल दिया था। इसी के साथ एक और क्वेश्चन है कि नथिंग इज ईजियर देन टेकिंग ऑफ द गियर केस। यहाँ पर भी उनके जो ऑथर का फ्रेंड था, जब ऑथर ने सजेस्ट करा था अपने फ्रेंड को कि थोड़ा सा मुश्किल होता है गियर केस को सही करना, तो उनके दोस्त ने फिर दोबारा यही बोला था कि अरे गियर केस को सही करना तो मेरे लिए बच्चों का खेल है, 2 मिनट में सही कर दूंगा मैं, और ये चीज़ बोलकर उसने उनका गियर केस भी खोल दिया था। तो इसमें से आप इन दोनों क्वेश्चंस में से किसी भी एक क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं फटाफट। और आई होप आपको बहुत अच्छे से ये चैप्टर समझ में आया हो, बहुत फनी चैप्टर था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन। जो क्रिकेट था वो इंग्लैंड के अंदर से ओरिजिनेट हुआ। 500 साल पहले इंग्लैंड के अंदर बहुत टाइप के गेम्स हुआ करते थे जिन्हें बॉल और स्टिक से खेला जाता था, उन्हीं में से एक क्रिकेट भी था। ये गेम धीरे धीरे कर इवॉल्व होता गया, मतलब कि बढ़ता गया। 17th सेंचुरी तक ये गेम बहुत अच्छे से जाने जाने लगा था। इनिशियली जो 18th सेंचुरी थी उसके अंदर जो बैट हुआ करते थे तब हॉकी की स्टिक की तरह हुआ करते थे, मतलब लास्ट में मुड़े हुआ करते थे बैट।